दोस्तों आज हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी की एनालिसिस करने वाले, एक स्मॉल कैप कंपनी की एनालिसिस करने वाले। आपने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज के बारे में नाम नहीं सुना होगा, बट मैं आपको इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर लेके, आप देख सकते हो ये कंपनी की वेबसाइट है। एंड एक्चुअली ये कंपनी का जो स्टॉक है ये हमारे का एक व्यूअर ने पूछा है कि इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस करो, तो दैट्स व्हाई हम इस कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं। और जो मैंने फंडामेंटल्स कंपनी के देखे हो, जैसे अभी एनालिसिस आप देखने वाले हो, तो आपको समझ में आएगा कंपनी का स्टॉक, ये कंपनी अच्छी क्वालिटी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है कि अच्छे रिटर्न हम यहाँ से जनरेट करेंगे। फंडामेंटल्स कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको दिखा दूँ जल्दी से कैसे। तो यहाँ पे पहले बेसिक मैं आपको कंपनी का बिजनेस क्या है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ग्लोबल लीडर इन डिजिटल अश्योरेंस एंड डिजिटल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे खुद बोल रहे कि हम ग्लोबल लीडर है करके इस सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा है सिग्निटी इज द वर्ल्ड्स लीडिंग AI एंड IP लीड डिजिटल अश्योरेंस एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी दैट हेल्प्स ग्लोबल कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिकम डिजिटल फर्स्ट। तो जो सिग्निटी टेक्नोलॉजीज है ये हेल्प करती है, जो कि जो नई कंपनियाँ हैं, जो ऑलमोस्ट जितनी कंपनीज है, ठीक है, उनको डिजिटल बनने में ये हेल्प करती है। उनको डिजिटल फर्स्टली डिजिटल में जाने के लिए इनको हेल्प करती है, ठीक है। जो इनका मैक्स मोस्टली ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं दैट इज AI एंड IP लीड, ठीक है। तो AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड यहाँ पे लिखा है लीड डिजिटल अश्योरेंस एंड डिजिटल इंजीनियरिंग टाइप्स ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनका काम है कि ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं उससे ये बाकी कंपनीज का मतलब कि बिजनेस तेजी से रन करें एंड उनको डिजिटली हेल्प करें, ठीक है। तो ये इनका पूरा मोटो है। इसके बाद में कुछ स्टैटिस्टिक यहाँ पे दी गई है जो कि आप देख सकते हो। मैं आपको कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि 3700 प्लस एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हमारे साथ काम करते हैं। उसके अलावा इन्होंने बोला कि 92% जो क्लाइंट्स इनके, उन्होंने इनको 4/4 रेटिंग दिया है। और यहाँ पे 500 प्लस जो कंपनीज है, फॉर्चून 500 प्लस कंपनीज है, उसमें 60 प्लस कंपनीज इनके ऊपर ट्रस्ट करती हैं एंड इनके साथ बिजनेस करती है, ठीक है। एंड इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनका इस सेगमेंट के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी के बारे में बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। दोस्तों कंपनी के Q1 FY23 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कंपनी के। सबसे पहले तो आप देख सकते हो जो कंपनी की नेट सेल रही है जून क्वार्टर में, दैट इज कंपनी ने 377 करोड़ की सेल्स की है करंट क्वार्टर में। एंड वही लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स की थी दैट इज 344 करोड़ की सेल्स की थी। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है सेल्स में दैट इज 9.85% की ग्रोथ की है इन्होंने सेल्स के अंदर, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ा है दैट इज 36.58% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ा है। जो प्रॉफिट इन्होंने किया है दैट इज 44.54 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है। और इसके अलावा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 31 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है। एंड जो लास्ट क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था दैट इज 22 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। एंड जो ग्रोथ हुई दैट इज 37.17% की इन्होंने ग्रोथ की क्वार्टर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट में, ठीक है। इनकी प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 11.78% की इनकी प्रॉफिट मार्जिन है करंट ईयर में, करंट क्वार्टर में। एंड लास्ट क्वार्टर में इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन थी दैट इज 9.48% की इनकी प्रॉफिट मार्जिन थी। जो ग्रोथ हुई दैट इज 2.30% की इनकी ग्रोथ हुई क्वार्टर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। आगे देखते हैं हम ईयर ऑन बेसिस के ऊपर कंपनी कैसे परफॉर्म किया। तो अभी आपके सामने मैंने ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनके रिजल्ट्स लगाए, जिसमें आप देख सकते हो कि जो सेल्स कंपनी की ग्रो हुई दैट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी की सेल्स 42.98% से ग्रो किया है कंपनी ने सेल्स अपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। मतलब कि जून क्वार्टर जो कि करंट क्वार्टर जो कंपनी के रिजल्ट आए थे Q1 FY23, ठीक है, उसको कंपेयर कर रहे हैं हम Q1 FY22, मतलब कि लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर, जून क्वार्टर लास्ट ईयर का, ठीक है, उससे कंपेयर कर रहे हैं तो 42.98% की यहाँ पे इन्होंने सेल ग्रोथ दिया है। वही प्रॉफिट ग्रोथ इनकी आई है अप्रॉक्स 51.81% की इनकी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो अगर आप इनके जो ये है जो अगर रिजल्ट देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर या क्वार्टर बेसिस के ऊपर, तो कंपनी ने ग्रोथ किया ओनली। तो एनुअल रिजल्ट में हम देखेंगे कंपनी कैसे ग्रो किया। तो नेट सेल जो थी कंपनी की दैट इज 1241 करोड़ की कंपनी की नेट सेल थी मार्च 2022 में। वही मार्च 2021 में कितनी थी, मार्च 2021 में थी कंपनी की सेल दैट इज 896 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। तो जो इन्होंने ग्रोथ किया है सेल्स के अंदर दैट इज 38.51% से ग्रो किया इन्होंने सेल्स के अंदर। बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इनका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है आपको। इंटरेस्ट इनका 9.66% से गिरा है जो कि प्लस पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है 5.05 करोड़ का इनका इंटरेस्ट था, जो कि लास्ट ईयर इनका जो इंटरेस्ट था दैट इज 5.59 करोड़ का इनका इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी का गिरा है। उसके अलावा जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो था कंपनी का दैट इज 91.74 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है मार्च 2022 में। वही मार्च 21 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था दैट इज 105 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनुअल बेसिस के ऊपर कंपनी का जो प्रॉफिट है गिरा है दैट इज 12.92% की गिरावट इनके प्रॉफिट में आ चुकी है। जिसकी वजह से अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो हम चार्ट देखेंगे थोड़ी देर में, तो आपको चार्ट में भी समझ में आएगा कि चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि कंपनी स्टॉक गिरा है रिजल्ट के बाद में, ठीक है। बट फिर से एक कंपनी की स्टॉक में एक रिबाउंड आया है, ठीक है। तो ये हो गए कंपनी के पूरे फाइनेंशियल। इसके अलावा हम देखेंगे रेशियोज कंपनी के कैसे है अभी। तो दोस्तों आपके सामने मैंने कंपनी के रेशियोज लगाए। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी करंटली 536 रुपीज़ का कंपनी का स्टॉक प्राइस है। आज कंपनी के स्टॉक ने मतलब जो फ्राइडे था, फ्राइडे को कंपनी के स्टॉक ने 1.44% की तेजी की है। मार्केट कैप है कंपनी का 1505 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। करंट प्राइस कंपनी का 536 रुपीज़ का करंट प्राइस है। 671 रुपीज़ का हाई था कंपनी का, 335 रुपीज़ का लो था कंपनी का, ठीक है। एंड वही पी रेशो कंपनी का 14.7 टाइम्स का कंपनी का पी रेशो है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देख रहे हो कंपनी की 0.47 टाइम्स परसेंट की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 26.4% की है। रिटर्न इक्विटी कंपनी की 22% की है। उसके अलावा फेस वैल्यू 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला कंपनी का स्टॉक है। एंड वही EPS है कंपनी की, अर्निंग पर शेयर कंपनी का 36.5 रुपीज़ पर शेयर कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, ठीक है। रिटर्न ओवर 5 इयर्स कंपनी ने 15.4% के CAGR बेसिस के ऊपर रिटर्न दिए 5 साल में। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 14.9% की CAGR ग्रोथ हुई है कंपनी की लास्ट 5 साल में सेल्स में। प्रॉफिट में ग्रोथ अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा शानदार ग्रोथ की है कंपनी ने प्रॉफिट के अंदर, दैट इज 26.9% की प्रॉफिट में ग्रोथ की है कंपनी ने। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 17% है, दैट इज ठीक है, ओके। इतना ज़्यादा हाई डेब्ट नहीं है कंपनी ओवर पेग रेशो अगर हम बात करें तो 0.55 टाइम्स का इनका पेग रेशो है, ठीक है। तो पेग रेशो भी ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पे 20 टाइम्स का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का 9.89% कंपनी के प्लेज परसेंटेज है, ठीक है। तो कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है प्लेज है 9.89% की होल्डिंग इन्होंने प्लेज करके रखी है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कंपनी का सबसे बड़ा। उसके अलावा यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी की 35.2% की कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की 3.27 टाइम्स। तो मैं अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बोलूँ तो आपको वैल्यूएशन जो है कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी के है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। वैल्यूएशन जैसे कि हम यहाँ से वैल्यूएशन देखते हैं कंपनी के पे रेशो से या कंपनी के पी से हम कंपनी के वैल्यूएशन देखते हैं, या हम यहाँ से प्राइस टू बुक वैल्यू सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी हाई है बट स्टिल ये वैल्यूएशन ठीक है कंपनी के, ठीक है। तो कंपनी के वैल्यूएशन ठीक है कंपनी के। उसके अलावा जो रिटर्न इक्विटी है जो कंपनी की जो रिटर्न ओवर डिफरेंट जैसे कि इक्विटी है या कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर अच्छे रिटर्न कंपनी ने दिए है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे प्लेस शेयर्स। तो कंपनी के 9.89% जो शेयर्स है प्लेस है, ठीक है। तो ये एक रिस्क की पार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी इनकी जो होल्डिंग है थोड़ी कम है, 35% की होल्डिंग है और उसमें भी 9.89% की इनकी होल्डिंग प्लेज है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो आप उसमें दिखेगा आपको कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 65% जो होल्डिंग है वो पब्लिक होल्डिंग है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। ये जो चीज़ अगर आप देखते हो, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अभी जस्ट, अगर आप ये चीज़ देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी की जो एक रिस्क की पार्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग थी सितंबर 2019 में दैट इज 36.29% की होल्डिंग थी इनकी। FIS की होल्डिंग यहाँ पे 0.03% की थी और DIS की होल्डिंग 0.12% की थी और पब्लिक होल्डिंग थी यहाँ पे 64% की। तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको बढ़ते हुए दिख रही है, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। बट DIS की होल्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। FIS की होल्डिंग भी बड़ी यहाँ पे 0.74% की यहाँ पे इनकी होल्डिंग होगी। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे सस्टेन या उससे भी कम हो गई, 35.25% की यहाँ पे इनकी प्रोमोटर की होल्डिंग हो गई। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा वीक पॉइंट है कंपनी के लिए, ठीक है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कंपनी का मैनेजमेंट रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी 10% होल्डिंग इनकी प्लेज है, तो जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है मेरे को ऐसा लगता है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि 65% होल्डिंग जस्ट पब्लिक के पास में, DIS भी नहीं है यहाँ पे, FIS भी नहीं है, तो एक थोड़ा सा रिस्की पार्ट हो जाता है। उसके अलावा फंडामेंटल जो है कंपनी का अच्छे है, वैल्यूएशन कंपनी के अच्छे है। वैल्यूएशन नीचे होने का रीज़न ये है कि कंपनी के शेयर्स प्लेज है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप खुल के स्टॉक भाग नहीं सकता या परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़ें कंपनी के बारे में दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल देखें, लास्ट एनुअल फाइनेंशियल देखें लास्ट 10 साल का, तो मार्च 2012 से लेके मार्च 2022 से कंपेयर करेंगे हम अपन, तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी सेल्स में ग्रोथ कंटिन्यूसली कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी शक नहीं, कंपनी की सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही, कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ हो रही है कंपनी की सेल्स में। ठीक है, जो कंपनी की एवरेज ग्रोथ हुई है 10 साल में सेल्स में, तो 43% के CAGR बेसिस के ऊपर कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ की अपने सेल्स। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, उसके अलावा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी हो रही है। और फाइनली हम अगर प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आप देख रहे हो, कंपनी का प्रॉफिट तो अच्छे से स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो किया, बट यहाँ पे कंपनी ने 395 करोड़ का लॉस किया था। उसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट जो है यहाँ पे आप स्टेबल देख रहे हो, ऐसा कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ रहा है प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है या सस्टेन है, वैसा नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी कंटिन्यूसली बस प्रॉफिट ही कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कंटिन्यूसली, बट कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे, ऐसा सस्टेन नहीं है कि मतलब कि ठीक है 100 करोड़ का प्रॉफिट इस साल किया तो अगले साल भी 100 करोड़ का प्रॉफिट किया या 100 करोड़ प्लस 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, ऐसा नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट कभी 32 करोड़ का हो रहा है, कभी 147 करोड़ का हो रहा है, कभी नीचे आ रहा है फिर से 122 करोड़ पे, कभी फिर से नीचे आ रहा है 105 पे, फिर से नीचे हो गया। तो यहाँ से आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट गिरा था, रिकवर हुआ था, एंड इसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट सीधा नीचे गिरा है। ठीक है, तो एनुअल बेसिस के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट गिरा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है। TTM बेसिस मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ जो होता है उसके हिसाब से आप देख रहे हो कि लास्ट जो 12 महीने है उसके हिसाब से प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा एक रिस्की पार्ट लगता है, बट EPS अच्छा है कंपनी का, कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है अभी। ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉक सजेस्ट नहीं करूँगा। आप जैसे मौके मिलते हैं, अगर फाइनेंशियल अगर और अच्छे होते तो हम कंपनी के स्टॉक के ऊपर और रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी बनती करके। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के जो मार्च रिजल्ट आए थे, फाइनेंशियल ईयर के जो रिजल्ट आए थे, उसके बाद में कंपनी का स्टॉक यहाँ से आपको गिरते हुए दिखा, एंड अभी फिर से कंपनी के स्टॉक ने एक रिकवरी दी है। एंड यहाँ पे करंट जो प्राइस है कंपनी का दैट इज 536 रुपीज़ का करंट प्राइस है कंपनी का। ठीक है, एंड कंपनी का स्टॉक सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी का स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो 5 डेज का EMI दैट इज 536 रुपीज़ 31 रुपीज़, 9 डेज का EMI 526 रुपीज़ 13 डेज का EMI या 50 डेज का EMI, 200 डेज का EMI, इन सभी EMIs के ऊपर कंपनी का स्टॉक अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो करंटली कंपनी का RS है दैट इज 63.87 का कंपनी का RS है। अभी अगर जो फाइनेंशियल रिजल्ट आए कंपनी के उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि कंपनी का स्टॉक और अच्छे अवेलेबल आपको दिखाएगा। करंटली कंपनी का स्टॉक फेयर वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, एज पर जो हमने वैल्यूएशन देखे थे तो आपको फेयर वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी का स्टॉक अवेलेबल मिल रहा है। तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो चांसेस है कि कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, तो यहाँ से कंपनी का स्टॉक 200 पॉइंट प्लस रैली आपको देगा अगले 3 महीने में या 4 महीने में, एक क्वार्टर में आपको 200 प्लस की रैली दे सकता है कंपनी का स्टॉक। ठीक है, तो आप एक क्वार्टर के लिए आप बाय कर सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपको स्ट्रांगली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 21 डेज का EMI जो रहेगा दैट इज़ अभी जो जैसे कंपनी का 21 डेज का EMI दैट इज़ 513 रुपीज़ का EMI कंपनी का 21 डेज का EMI। ठीक है, तो 513 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या अभी आप करंटली तो 500 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 550 का लेवल ब्रेक करोगे तो वैसे वैसे आपको 21 डेज का EMI के साथ में आपको कंपनी का स्टॉक को स्टॉप लॉस लगा के आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी स्टॉक कंटिन्यूसली आपको जो 21 डेज है उसके ऊपर ही आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो आपको वो स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड आपको कंटिन्यू करना चाहिए अपने टारगेट के लिए। टारगेट आपका होना चाहिए 760 का आपका स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद में जब कंपनी का स्टॉक अगर और अच्छे फाइनेंशियल्स आए तो कंपनी का स्टॉक चांसेस है कि 1000 की भी प्लस में जाएगा 4 मंथ्स के बाद में, क्योंकि एनुअल रिजल्ट सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट आना रिक्वायर्ड है। क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद में आपको समझ में आएगा कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, बट तब तक नेक्स्ट एक क्वार्टर में दिसंबर तक कंपनी का स्टॉक 760 के आसपास रहेगा, आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा 760 के आसपास। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए 21 डेज का EMI एंड आपका टारगेट होना चाहिए 760 रुपीज़ का। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट कैसे आएंगे हमको पता नहीं, तो रिजल्ट आने से पहले आप प्रॉफिट बुक करके आप बैठ सकते हो, उसके बाद में अगर रिजल्ट अच्छा है तो आप और एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो। अगर आपको ऐसे किसी स्टॉक के ऊपर अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे किस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।